दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे कढ़ाही पनीर। कढ़ाही पनीर तो हम सभी की फेवरेट होती है, बट कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसे बनाया जाए तो बहुत ही आसानी से बहुत ही ज्यादा डिलीशियस बन जाती है। हर घर में बनने वाली कढ़ाही पनीर को आज हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे और हमारा टेस्ट भी काफी अच्छा आएगा। आप कढ़ाही पनीर के टेक्सचर को देखिए, बहुत ही अच्छा। कढ़ाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम पनीर। पनीर के क्यूब्स काट लिए हैं, इसको एक बोल में डाल लिया और अब मैं उसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 लेमन का जूस स्क्वीज कर लिया था और अब मैं इसमें डाल दूंगी। इन सारी चीजों को हम अपने हाथों से मिक्स करके एक अच्छा इसको एक लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगी। दोस्तों इसे हमें मैरिनेट करना है। इस तरीके से मैरिनेट करके कढ़ाही पनीर बनाई जाए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है और हमारी पनीर भी अच्छी क्रंची हो जाती है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं और आप एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, साथ ही हम इसमें डाल देंगे पनीर के क्यूब्स जो मैरिनेट हो चुके हैं। और इसको हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। ऐसा करने से क्यूब्स बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। पनीर क्यूब्स हमारे क्रिस्प हो चुके हैं और अब मैं इसको निकाल लूंगी एक प्लेट में। फिर से पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और अब मैंने 2 कैप्सिकम को अच्छे से चॉप कर लिया है। दोस्तों इसको कुछ इस तरीके से चॉप करें स्क्वायर शेप में और इसे भी हम हल्का सा भून लेंगे। कढ़ाही पनीर वैसे तो बहुत ही कॉमन रेसिपी है लेकिन हर घर का अपना एक अलग तरीका होता है बनाने का। दोस्तों हर घर का एक अपना तरीका और एक अपना अलग टेस्ट होता है, तो आज हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। कैप्सिकम को हम लोग इस तरीके से फ्राई करेंगे कि उसका क्रिस्प भी मेंटेन रहे और हमारा कैप्सिकम हल्का सा पक भी जाए। इससे हमारे कैप्सिकम का कच्चापन भी दूर हो जाएगा। कैप्सिकम भी हमारा रेडी है और अब मैं इसको भी एक अलग प्लेट में निकाल लूंगी। फिर से हम पैन चढ़ाएंगे। पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया 1 चम्मच और अब हम फ्राई करेंगे अनियंस को। दोस्तों यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर, 2 कैप्सिकम, 2 अनियन का यूज किया है। अनियंस को भी मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है इस तरीके से बल्ब्स के फॉर्म में और इन्हें भी हम भूनेंगे। अनियंस को भी करना है हमें सौते। इस तरीके से अनियंस को हल्का सा फ्राई करके जब सब्जी बनती है बहुत ज्यादा डिलीशियस बनती है और कढ़ाही पनीर में जब ये ट्रांसपेरेंट सा दिखता है बहुत ही सुंदर लगता है। अनियंस को हमें बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, हल्का सा भूनेंगे इसको बस एक ट्रांसपेरेंट लुक देंगे। प्याज भी हमारा रेडी हो गया है और अब मैं इसको भी निकाल लूंगी प्लेट में। वे सभी सब्जियां और पनीर तो हमारा रेडी है। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे और ग्रेवी बनाने के लिए भी मैंने डाला 1 चम्मच ऑयल। ऑयल में मैं डालूंगी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। साथ ही हम डालेंगे इसमें 4-5 काली मिर्च, ब्लैक पेपर, 2 लौंग को डाला मैंने इसमें और साथ ही हम डालेंगे 2 इलायची, हरी इलायची। इन सारी चीजों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे और अब मैं इसमें डालूंगी 1 रफली चॉप्ड अनियन। उसे भी हम सौते कर लेंगे और अब मैं इसमें ऐड करूंगी लहसुन की कलियां।
पांचवे लहसुन के कलियां मैंने लिया था, साथ ही डाला 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जब प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो जाएंगे तो उसमें मैं डाल दूंगी टमाटर, एक बड़े साइज के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था, साथ ही डालेंगे इसमें आधा चम्मच नमक। दोस्तों नमक डाल देने से हमारा प्याज टमाटर इजली पक जाता है और अच्छे से पक जाता है, और इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा, और अब मैं इसको ढक दूंगी, ढकने से हमारे प्याज अच्छे पक जाएंगे। चेक कर लेते हैं, टमाटर को हल्का सा दबा के हम देखेंगे, टमाटर हमारा मैसी हो चुका है, एक मिनट से हमारा प्याज टमाटर सब कुछ पक चुका है, और अब मैं करूंगी गैस को बंद, और हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, मैं इसको डाल लूंगी एक ब्लेंडर में और हम इसको ग्राइंड करेंगे। आगे के प्रोसेस के लिए मैंने चढ़ाई कढ़ाई, कढ़ाई में हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, और अब मैं इसमें डाल दूंगी प्योरे को, इसमें मैंने डाल लिया था 1/2 कप पानी, और इस तरीके से हम इसको भूनेंगे। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच लाल चिली फ्लेक्स, इसकी जगह पे आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हैं, और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी। दोस्तों इसमें हल्दी काफी कम ही पड़ता है, काफी अच्छी सी एक एरोमा भी आने लगी है इससे, मसाले हमारे भुन रहे हैं, और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक जो कि स्वादानुसार रहेगा, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम जो कि हम लोगों ने फ्राई करके रखा था, साथ ही ऐड करेंगे अनियंस, फ्राइड अनियंस, और इन सभी चीजों को हम लोग मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई पनीर तो हमारी अभी तक बहुत ही डिलीशियस देखने लगी है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के लगभग पानी, कड़ाही पनीर तो हम सभी की फेवरेट होती है, लेकिन इस तरीके से बनाया जाए तो हर किसी को पसंद आती है। अब इसको हम लेट से कवर करेंगे, और कवर करके हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। लेट को हम लोग अनकवर करके एक बार चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका ऑयल ऊपर स्कूज आउट होने लगा है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 चम्मच फ्रेश क्रीम। क्रीम ऐड करना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, बट जब भी मैं घर में बनाती हूँ तो जरूर ऐड करती हूँ, इसीलिए मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच क्रीम। क्रीम से जो सब्जी का ग्रेवी है सब्जी की, वो उसका टेक्सचर अच्छा आ जाता है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। साथ ही मैंने डाला 1 चम्मच कसूरी मेथी। ग्रेवी तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पनीर क्यूब्स को, इसमें मैं ऐड कर दूंगी, और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। पनीर क्यूब्स को फ्रेंड्स हमेशा लास्ट में ही ऐड करें, ऐसा करने से जो हमारे पनीर होते हैं, पनीर क्यूब्स हमारे सैगी नहीं होते हैं, और जब खाते हैं हम तो काफी अच्छा लगता है।
और फाइनली मैं इसमें ऐड कर दूंगी आधा चम्मच गरम मसाला। दोस्तों गरम मसाला को लास्ट में ही डालें, बहुत अच्छे तरीके से कढ़ाई पनीर बनेगी। कढ़ाई पनीर तो हमारी ऑलमोस्ट रेडी है फ्रेंड्स। इस तरीके से अगर बनाई जाए बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लगती है, खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। जल्दी से गैस को बंद करते हैं। इस तरीके से कढ़ाई पनीर बनाइए और उसे नान के साथ खाइए, उसे पराठे के साथ खाइए, उसे रोटी के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, किसी भी चीज के साथ खाइए, उसका जायका भूलने वाला नहीं होता है। तो इस तरीके से आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ये रेसिपी भी आपको बहुत लाजवाब लगी होगी। इस तरीके से जरूर आप ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। आशा करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें, साथ ही फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो कम्स। होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी।